भगवान का रूप इतना सुंदर क्यों होता है? क्या भगवान का शरीर भी हम लोगों की भांति पंचभूतों से बना होता है? जब मनुष्य ईश्वर का अंश है तो हमारा आपका सांसारिक प्राणियों का रूप ऐसा क्यों नहीं है? इसका उत्तर है कि मानव शरीर माता पिता के रजवीर से पैदा होता है, वैसे भगवान का शरीर पैदा नहीं होता। मनुष्य का जो रूप है वह सामान्य पंचभूतों व पंचतन मात्राओं से पैदा होता है और अनित्य होता है। भगवान का जन्म और शरीर दोनों ही दिव्य होते हैं। उनका शरीर पंच भौतिक तत्वों से नहीं बना होता है। भगवान अपने शरीर को धारण करने के लिए लीला शक्ति से दिव्याति दिव्य सत्यगुणी तन्मात्राओं को उत्पन्न करते हैं। उन्हीं से भगवान अपने शिव विग्रह को प्रकट करते हैं। उसमें इतना आकर्षण होता है मानो अनंत आनंद व साक्षात दिव्य प्रेम ही मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया है। यह रूप ज्ञानियों के मन को भी अपनी ओर खींच लेता है। भगवान का शरीर मनुष्यों की तरह हड्डी मांस रुधिर आदि का नहीं होता, बल्कि अवतार की लीला के समय वे अपने चिन्मय शरीर को पांचभौतिक शरीर की तरह दिखा देते हैं। भक्त के भावों के अनुसार भगवान को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है और सर्दी गर्मी और भय भी लगता है, किंतु भगवान का विग्रह पाप पुण्य रहित व रोग रहित होता है। वास्तव में भगवान का दिव्य शरीर केवल आनंदमय होता है, इसलिए भगवान के आनंदमय रूप के दर्शन से भक्तों को परम आनंद और शांति प्राप्त होती है। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण परम आनंद कंद के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण का रूप जैसा है वैसा रूप संसार में किसी का नहीं है। भौतिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है उतना सुंदर, उतना बलिष्ठ, उतना सुगठित शरीर सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक न किसी का हुआ है, न आगे किसी की होने की संभावना है। शरद पूर्णिमा के निर्मल शीतल अमृत की वर्षा करने वाले अगणित चंद्रमा की भी, जिनकी अंग कांति के समान फीके हो जाते हैं, ऐसे नीलमणि आभा के समान श्री कृष्ण हैं। उनका मोहन रूप ऋषियों के मन को, गुरुजनों के मन को, भक्तों के मन को, श्रुतियों के, देव कन्याओं की तथा स्वयं ब्रह्म विद्या के मन को एवं संसार की समस्त नारियों के मन को, शत्रुओं के मन को और स्वयं उनके अपने मन को भी मोहित करने वाला है। श्री कृष्ण की सुंदरता स्वयं उन्हें भी मोहित कर लेती थी। वे अपने प्रतिबिंब को नंद भवन के किसी मणि स्तंभ या दर्पण में देख लेते तो अपने रूप पर स्वयं मोहित हो जाते थे। ऐसा माना जाता है कि सभी दिव्य गुणों और भूषणों, मुकुट, किरीट, कुंडल आदि ने युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक तपस्या कर भगवान को प्रसन्न किया। भगवान बोले, वर मांगो। गुणों और आभूषणों ने कहा कि प्रभो, आप हमें अंगीकार करें, हमें धारण कर लें। यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम गुण कहने के लायक कहाँ रहेंगे? आभूषणों ने कहा, यदि आप हमें नहीं अपनाएंगे तो हम भूषण नहीं दूषण ही बने रहेंगे। भगवान ने उन सब को अपने विग्रह में धारण कर लिया। मानव गहने कपड़े इसलिए पहनता है कि वह सुंदर लगे, परंतु करोड़ों कामदेवों को भी लजाने वाली सुंदरता और कमनीयता तो श्री कृष्ण श्री राम के शरीर में पहले से ही है। ये आभूषण तो उनकी सुंदरता को ढकते ही है। इस संसार में जितना भी सौंदर्य है वह सब भगवान श्री कृष्ण और श्री राम के सुंदर विग्रह से ही निकला है। स्वधाम गमन के समय भगवान सबके नेत्र और चित्त चुरा कर ले गए और यहाँ अपनी मूर्ति की स्थापना कर दी, जिससे कि लोग उनके अंतर्ध्यान होने के बाद भी उनके रूप एवं लीला का दर्शन कर सकें।